जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांड अकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो रहने वाला है स्पेशली SSGD 2025 को लेकर। आप सबको पता है SSGD 2024-25 जो कि 27 अगस्त को आने वाली है और 27 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको इस वैकेंसी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं आपको बता दूं, पिछली जो वैकेंसी है वो लगभग 50,000 पदों के आसपास अभी चल रही है, जिसका मेडिकल अब फिजिकल अब होना, उसके बाद में मेडिकल और फाइनल मेट बाकी है। लेकिन ये वैकेंसी 27 अगस्त को आने वाली है। आपने एक न्यूज भी देखी होगी, एक न्यूज का कटआउट जो मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके अनुसार 27 अगस्त को ही ये वैकेंसी आएगी, डिले नहीं होगी। ये कितने पदों पर आएगी इसको लेकर अभी हम घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि जब वैकेंसी आती है तब आती है 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 पदों पर, और वैकेंसी के दौरान उसके कई बार वो 50,000, 60,000, 70,000 तक चली जाती है। इसलिए वैकेंसी काफी बड़ी आने वाली है। जो बच्चे पहली बार तैयारी करते हैं उनको इसके सिलेबस के बारे में नहीं पता होता, इस वैकेंसी में हाइट कितनी चाहिए, इससे लेकर कई सारे कमेंट होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं लाड दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 23 साल, ओबीसी से है तो 26 साल, और एससी एसटी से है तो 28 साल। हाइट में भी इसमें छूट दी गई है, किस किस कैटेगरी को कितनी, वो भी मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं। लेकिन जितने भी बच्चे नया तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एसएससी जीडी की ओल्ड पेपर की बुक लेनी चाहिए, और हमारी ओल्ड पेपर की बुक भी आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिल जाएगी। वो आपकी मदद करेगी कि एसएससी जीडी में कैसा पेपर आता है। ये वैकेंसी 27 अगस्त को आएगी, एज इसकी काउंट होगी वो होगी 1 सितंबर से, इसके पूरे चांसेस है। अब आप पूरी इसकी डिटेल जानना चाहते हो, क्या सिलेबस है, क्या मेडिकल का इसका क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल का क्राइटेरिया है, कौन सी कैटेगरी में कितनी छूट है, लड़कियों के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका सिलेबस सारा कुछ, ओल्ड पेपर सब कुछ मैं आपको एक ही जगह बता दूं। आपको सर्च करना है एसएससी जीडी रोजगार वाला। जब आप यहां जाओगे तो सबसे पहले आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा, यहां लिखा हुआ एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024-25। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास में ये पेज सामने आएगा, जिसमें इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि 27 अगस्त को वैकेंसी आने वाली है, इसमें जो पेमेंट कितना रहता है, कितनी वैकेंसी ये आ सकती है इसके बारे में। 27 अगस्त से वैकेंसी आएगी, फॉर्म शुरू होंगे, 5 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम होगा, ठीक है। जो मैंने एज क्राइटेरिया आपको बताया था 18 से 23 साल, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल। अब इसके साथ में किस किस कैटेगरी में कितनी हाइट चाहिए, किस एरिया में कितनी हाइट चाहिए, कौन से स्टेट में हाइट की छूट दी गई है, वो सारी डिटेल यहां पर आपको दी गई है। तो जिन भी बच्चों कितने देखो, ये फिजिकल का जो क्राइटेरिया वो क्या, सारी डिटेल, और साथ में आपको एसएससी जीडी का पूरा जो सिलेबस है वो भी आपको यहां मिल जाएगा, वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पीडीएफ मिल जाएगी, इसके अलावा सिलेबस मिल जाएगा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की भी आपको जानकारी यहां पर मिल जाएगी। तो जितने भी बच्चे नई तैयारी करने वाले एक बार जाके जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ आपको सिलेबस देखना, पिछला पेपर देखना, सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। 27 अगस्त को वैकेंसी आ रही है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए भाई अभी से। जय हिंद, जय भारत।